अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़ली तो आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट दोस्तों। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़े प्लेयर गुजरे हैं और इनकी स्ट्रगल भी बहुत रही है। अगर एम एस धोनी मेहनत ना करता तो आज रेलवे में टिकट कलेक्टर होता। अगर शुएब अख्तर एक रात फुटपाथ पर नाच होता तो वो भी एक दिहाड़ी वाला मजदूर होता। अगर डेविड वॉर्नर मेहनत ना करता तो वो आज भी स्टोर पर काम करता। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है उन क्रिकेटर्स के बारे में जिन्हें क्रिकेट में आने से पहले बहुत गरीब थे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें। शुएब अख्तर दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर हैं। इनका सामना करने से बड़े बड़े बैट्समैन डरते थे। शुएब अख्तर जब ट्रायल देने पिंडी से लाहौर आए तो उनके पास बस में सफ़र करने के पैसे नहीं थे। यही बस के पीछे वाले हिस्से पर चढ़कर आए और फिर रात गुजारने की भी कोई जगह नहीं थी। तो शुएब अख्तर को टांगे वाला मिला। उसने शुएब अख्तर को रात में फुटपाथ पर सोने की जगह दी, दो वक्त खाना दिया और सुबह शुएब अख्तर को स्टेडियम तक छोड़ कर आया। उसके बाद आज शुएब अख्तर ने ट्रायल दिया, इस वक्त आपके सामने है। शुएब अख्तर का शुमार दुनिया के तेज फास्ट बॉलर में होता है। अगला नाम है मोहम्मद यूसुफ एक मसीह घराने में पैदा हुए। इनके फादर का नेम दिहाड़ीदार मजदूर थे। मोहम्मद यूसुफ को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। मोहम्मद यूसुफ ने अपने घर चलाने के लिए रिक्शा भी चलाया और क्रिकेट पर मेहनत जारी रखी और आखिरकार पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट होंगे। उनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैनों में होता है। अगला नाम है MS धोनी। MS धोनी को कौन नहीं जानता, ये भी बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। MS धोनी की स्ट्रगल का अंदाज़ा आपको इनकी फिल्म देखने से होता है। इनने रेलवे में भी काम किया लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। MS धोनी ने अपनी कैप्टनशिप में इंडिया को ICC वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जितवाया और अपनी बैटिंग से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। MS धोनी का शुमार दुनिया के बेहतरीन कैप्टन्स और बेहतरीन बैट्समैन से होता है। आजकल MS धोनी अपनी रिटायरमेंट के करीब हैं, इसलिए उनका कैरियर इतने रूज पर नहीं। अगला नाम है द यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल का शुमार दुनिया के बेहतरीन T20 बैट्समैन होता है। क्रिस गेल का ताल्लुक भी गरीब खानदान से था। क्रिस गेल बचपन में कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा कर अपने घर का खर्चा चलाते थे। कभी कभी कूड़ा ना मिलने की वजह से वो चोरी भी कर लेते थे। क्रिस गेल को क्रिकेट खेलने का शौक था। क्रिस गेल अपनी फैमिली के साथ एक झोंपड़ी में रहते थे, लेकिन क्रिस गेल को नहीं मालूम था कि दिन दुनिया से ऐसा रंग दिखाएगी कि उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन और अमीर तीन प्लेयर्स में होगा। क्रिस गेल ने आस्ता आस्ता मेहनत जारी रखी, क्रिकेट खेलते गए। उन्हें अपने क्रिकेट का कार्य लोकल क्लब बस किया और अब उनको शुमार दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है। अगला नाम है डेविड वॉर्नर का। डेविड वॉर्नर का ताल्लुक भी गरीब खानदान से था। उनके वालिद हार्डवेयर का काम करते थे। डेविड वॉर्नर को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्हें जॉब करनी स्टार्ट कर दी और 7 साल क्लब क्रिकेट खेलते रहे और एक दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी सेलेक्ट हो गए। आज इनकी दुनिया का शुमार दुनिया के बेहतरीन ओपनर बैट्समैनों में होता है। दोस्तों अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती, बस कभी हार न मानने ही माननी चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।